तो भाई सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंस का फ्यूड आपको देखने को मिलने वाला है WWE में जल्दी। एंड देन भाई सोलो सिकोवा रेडी है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के लिए, द स्ट्रीट चैंप सोलो सिकोवा डिथ्रोन कर सकते हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। एंड देन भाई रिया रिप्ली एंड जे उसो का अलग ही लेवल का सिचुएशन होने वाला है, क्योंकि भाई WWE प्लान कर रही है रिया रिप्ली एंड जे उसो के बीच वन ऑफ द बेस्ट लव स्टोरी दिखाने के लिए। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि कमाल की वीडियो होने वाली है, और चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो भाई सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंस का फ्यूड WWE बहुत दिनों से बिल्ड कर रही है, ये समझ लीजिए। क्योंकि भाई WWE के कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंस जो है वो आमने सामने तभी आ गए थे जब वो आमने सामने समरस्लैम में एक बार कन्फ्रंट करते नजर आए थे एक दूसरे को। एंड देन भाई अब सोलो सिकोवा रोमन रेंस की कोई भी बात नहीं मानने वाले हैं, सोलो सिकोवा एक अलग ही पाथ पे जाने वाले हैं जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को थोड़ा भी पसंद नहीं आएगा। और भाई आगे जाकर के आपको बिट्रायल भी देखने को मिल जाएगा ट्राइबल चीफ के ऊपर सोलो सिकोवा का, क्योंकि भाई WWE प्लान कर रही है सोलो सिकोवा को एक वन ऑफ द बेस्ट सुपर स्टार बनाने की। और भाई आप देख भी रहे होंगे कि सोलो सिकोवा की बुकिंग कितनी तगड़ी कर रही है WWE। एंड देन भाई वो सिर्फ रोमन रेंस के लिए प्रिपेयर कर रही है WWE सोलो सिकोवा को, कि ताकि रोमन रेंस के सामने जब भी सोलो सिकोवा आए तब लगे रोमन रेंस का एक बिलीवेबल अपोनेंट की रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकता है। एंड देन भाई डैम एल्जर का कहना है कि रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा का एक मैच बहुत ही मेगा मैच होगा, जो कि एक WWE फैंस के लिए बहुत बड़ा मैच होने वाला और ये बहुत ही हाइप क्रिएट करने वाला है। तो भाई WWE के एक्सपर्ट भी मानते हैं कि सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंस का मैच बहुत ही बड़े लेवल का होने वाला है। एंड देन भाई ये मैच आपको जल्द ही देखने को मिलेगा WWE में, क्योंकि भाई WWE प्लान कर रही है एलिमिनेशन चैंबर में रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा का मे बी एक मैच, ऐसा कुछ रूमर्स का कहना है। एंड देन भाई सोलो सिकोवा की जो इतनी गजब की बुकिंग आपको दिख रही है और रोमन रेंस के सामने आने के लिए ही दिख रही है, और भाई सोलो सिकोवा प्रिपेयर हो गए हैं WWE के नेक्स्ट फेस बनने के लिए। एंड देन भाई वहीं रिया रिप्ली एंड जे उसो का अलग ही सीन देखने को मिलने वाला है मंडे नाइट रॉ में, और ये बहुत ही इंटरटेनिंग स्टोरी होने वाली है रिया रिप्ली एंड जे उसो के बीच, क्योंकि भाई WWE के रिपोर्ट्स का कहना है कि डोमिनिक मिस्टीरियो एज अ हील एंड देन भाई जे उसो एंड रिया रिप्ली एक साथ जाने वाले हैं, और भाई डोमिनिक मिस्टीरियो को एक अलग ही लेवल की स्टोरी देने वाली है WWE, जिसमें कि वो बीच का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। क्योंकि भाई WWE दिखाने वाली है रिया रिप्ली एंड जे उसो का एक ही अलग ही लेवल का स्टोरी एंगल, जो कि सारे ये फैंस को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि भाई रिया रिप्ली ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही हैं, द उसोस को टैग पे टैग करते जा रही हैं, और भाई ये कहीं ना कहीं रूमर्स एंड हिंट्स भी है कि जे उसो एंड रिया रिप्ली को आपको एक बहुत ही बेहतरीन सी स्टोरी देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई रिया रिप्ली हाल ही में जे उसो को फिर से ट्वीट करती हैं टैग करते हुए, और भाई उसमें फिर से द उसोज को एक बार लिखती हैं, और WWE कुछ पोस्ट की थी इसमें से आप कौन से मेंबर को देखना चाहेंगे जजमेंट डे को ज्वाइन करते हुए, उसमें जे उसो भी होते हैं। एंड देन भाई मामी रिया रिप्ली लिखती हैं BUDDY एंड देन भाई द उसोज को टैग करती हैं, यानी कि बड़ी मतलब कि बड़ी मर्फी है, लेकिन भाई बड़ी मर्फी तो WWE में है नहीं, तो इसका मतलब साफ साफ है कि द उसो जे उसो या जिम्मी उसो कोई भी ज्वाइन कर ले रिया रिप्ली को। एंड देन भाई एक बहुत ही गजब की स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलेगी जे उसो एंड रिया रिप्ली के बीच, क्योंकि भाई WWE में फाइनली ये स्टोरी लाइन जो है बहुत ही ट्रेंडिंग पे है। एंड देन भाई आपको ये आगे बढ़ती हुई नजर आने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो चलाओ प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एंड काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।